हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABN इन्फोवेंट्री। रिसेंटली ये खबर आई कि टाटा ग्रुप हल्दीराम में मेजॉरिटी स्टेक हासिल करना चाहता है, लेकिन हल्दीराम ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन मांगी है, इसलिए टाटा अभी इस वैल्यूएशन पर मेजॉरिटी स्टेक लेने के फेवर में नहीं है। कमेंट करके बताइए कि क्या हल्दीराम की वैल्यूएशन $10 बिलियन है या नहीं। हालांकि टाटा ने स्नेक फूड निर्माता हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी खरीदने की रिपोर्ट का खंडन किया है। कमेंट करके बताइए कि क्या टाटा को हल्दीराम में मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहिए या नहीं। तो आइए आपको हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। दोस्तों, हल्दीराम की शुरुआत सिर्फ ₹100 की लागत से हुई और गंगा विशन अग्रवाल जिन्होंने हल्दीराम की शुरुआत की, उन्होंने शायद ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ये छोटी सी लागत कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगी। और आज हम इस वीडियो में हल्दीराम की इसी दिलचस्प और प्रेरणादायक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। हल्दीराम, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, बीकानेरी रसमलाई, बंगाली रसगुल्ला, काजू कतली, कलाकंद और दूसरी मारवाड़ी मिठाइयां, भुजिया और दूसरी चटपटी आइटम्स के बारे में सोचकर ही कमेंट करके बताइए कि हल्दीराम के आइटम्स आपके मुंह में पानी लाते हैं या नहीं। आज हम ये देखेंगे कि कोई किस तरह से सिर्फ ₹100 की लागत लगाकर आज एक 80,000 करोड़ की अपनी एम्पायर खड़ी कर सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं हल्दीराम के उस सफर को, उनकी वेरियस स्ट्रगल्स के बारे में और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे जो आज हमें दिखाई दे रहा है उनके बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक शहर बीकानेर में रहने वाले गरीब मारवाड़ी परिवार की। ये कहानी है परिवार के मुखिया भीकाराम की, जो कि गंगा विशन अग्रवाल के ग्रैंडफादर थे, जिन्हें लोग प्यार से हल्दीराम के नाम से पुकारते थे। उस समय मारवाड़ी परिवार में बाल विवाह की प्रथा थी और इसलिए हल्दीराम की शादी चंपा देवी से छोटी उम्र में करवा दी गई। इंसान अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। कैसे एक इंसान ₹100 एक भुजिया के बिजनेस में लगाकर 80,000 करोड़ का एम्पायर बना सकता है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ब्रांड को आसमान की बुलंदियों तक छुआ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हल्दीराम के पिता की बीकानेर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान थी, जिससे वो अपने पूरे परिवार का गुजारा करते थे, क्योंकि ये दुकान ही उनके पूरे परिवार की कमाई का एक इकलौता साधन था। इस वजह से उनके परिवार को बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जो भुजिया वो अपनी दुकान में बेचा करते थे, उसकी रेसिपी उनकी बहन यानी हल्दीराम की बुआ ने बनाई थी। ये भुजिया को बनाने के लिए सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करते थे। एक दिन हल्दीराम के दिमाग में एक आइडिया आया। हल्दीराम के इस आइडिया ने ही एम्पायर की फाउंडेशन रख दी। हल्दीराम ने इस भुजिया में दो तरह से बदलाव किया और इन बदलाव की वजह से इनकी भुजिया एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन गई और हर आदमी की जुबान पर चढ़ गई। हल्दीराम ने क्या किया कि भुजिया में मोट की दाल की क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि इससे पहले अगर भुजिया खाओ तो पेट तो भर जाता था, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा नहीं था कि लोगों को इसका दीवाना बना दे। इसलिए हल्दीराम ने भुजिया में मोट की क्वालिटी को बढ़ाकर उसको बहुत ज्यादा टेस्टी बना दिया। और दूसरा चेंज किया हल्दीराम ने भुजिया के अंदर, और वो ये था कि इस भुजिया को उन्होंने क्रंची, क्रिस्पी और बारीक यानी कि थिन बना दिया, जबकि पहले वो मोटी हुआ करती थी, ताकि जब भी कोई इस भुजिया को खाए तो वो उसको एक तरह से फन स्नैक्स लगे और बार बार उसको खाने का उसका मन करे। और इस तरह से उस भुजिया ने कुछ इस तरह का शेप लिया जैसी कि भुजिया आज हम खाते हैं। और हल्दीराम का आइडिया हिट रहा, हर कोई हल्दीराम की भुजिया का दीवाना हो गया और यह सभी के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी। कमेंट करके बताइए कि हल्दीराम की भुजिया के आप भी दीवाने हैं या नहीं। अब बाजार में बहुत सारी भुजिया की दुकान होने के बाद भी लोग उन सब को छोड़कर हल्दीराम की भुजिया खरीदने आने लगे। नमकीन के शौकीन हल्दीराम की दुकान पर दूर दूर से सिर्फ इनकी भुजिया खाने आया करते थे और बीकानेर की भुजिया मार्केट में
हल्दीराम की भुजिया के नाम से फेमस हो गई। वो इतनी फेमस हो गई कि मार्केट में भुजिया की कई सारी दुकानें होने के बावजूद भी भीड़ इन्हीं की दुकान पर रहती थी। पर दोस्तों, शायद ये खुशियां और दुकान की कामयाबी हल्दीराम के लिए थी ही नहीं, क्योंकि कुछ ही समय बाद इन्हें अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। 1944 में हल्दीराम की वाइफ चंपा और हल्दीराम के परिवार में नोकझोंक कुछ इतनी ज्यादा हो गई कि उनकी वाइफ चंपा ने हल्दीराम को ज्वाइंट फैमिली छोड़ने को बोला। हल्दीराम ने चंपा को मनाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं मानी और फाइनली हल्दीराम ने अपने परिवार से अलग होने का मन बना लिया। कई बार दोस्तों, हम गुस्से में फैसले तो ले लेते हैं, पर हमें यह एहसास नहीं होता उन फैसलों की वजह से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही बस कुछ हल्दीराम के साथ भी हुआ। अब क्योंकि घर से अलग होने का फैसला हल्दीराम और उनकी वाइफ का था, इसलिए इनको घर से सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़ों के साथ ही निकलना पड़ा। ना ही इनके पास दुकान थी और ना ही खर्चे के लिए पैसे थे, बस थे तो सिर्फ कुछ कपड़ों के बैग। अब बिना पैसे के हल्दीराम के लिए अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ कुछ नया करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर हल्दीराम ने कभी हिम्मत नहीं हारी और भगवान ने भी उनका बखूबी साथ दिया। एक दिन हल्दीराम बीकानेर की सड़कों पर भयंकर गर्मी में काम ढूंढने के लिए निकले हुए थे, तभी किसी ने पीछे से उनको आवाज दी। और जब हल्दीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जिसने इनको आवाज दी थी वो इनका बचपन का दोस्त अल्लादीन था, जो बहुत पहले कुछ नया काम शुरू करने के लिए गांव छोड़कर चला गया था। और उस समय हल्दीराम ने अल्लादीन की मदद करने के लिए उसे 200 रुपए दिए थे, ताकि वो अपना नया काम शुरू कर सके। और ये किसी ने बहुत सही ही कहा है कि भगवान हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है। कमेंट करके बताइए कि आप ये मानते हैं कि भगवान हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है, चाहे वो जल्दी दे या देर से। अब हुआ ये कि हल्दीराम ने अल्लादीन को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताया, तो उसी समय अल्लादीन ने हल्दीराम को 100 रुपए देकर उसकी मदद करी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उन दिनों 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी, और इस बुरे वक्त में 100 रुपयों ने उनका बहुत साथ दिया। और तो और, यही 100 रुपए थे जिसने हल्दीराम ब्रांड की नींव रखी। हल्दीराम ने इन पैसों को बहुत ही समझदारी से और संभल कर यूज किया। उन्होंने सबसे पहले एक घर किराए पर लिया और अपनी पत्नी के साथ आगे की प्लानिंग करने लगे। वो एक दुकान खोलना चाहते थे, पर उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो अपनी दुकान खोल पाते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जगह जगह घूमकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ मूंग दाल की नमकीन बेचेंगे। और कुछ दिनों में उनका ये नया काम भी खूब चल पड़ा। दिन रात की मेहनत रंग लाई, लोगों को इनकी नमकीन बहुत पसंद आई और इनकी सेल इतनी बढ़ गई कि कुछ टाइम में ही इन्होंने नई दुकान के लायक पैसे भी जोड़ लिए। तो दोस्तों, ये बात बहुत पक्की है कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भगवान पर किया गया भरोसा कभी भी आदमी को निराश नहीं करता है। अब देखते ही देखते 100 रुपए से शुरू किए हुए काम से हल्दीराम ने 1946 में बीकानेर के चिंतामणि कॉम्प्लेक्स में अपनी दुकान खरीद ली। वहां पर वो मूंग दाल के साथ साथ अपनी भुजिया भी बेचने लगे। इनकी यह दुकान भी नमकीन की दुनिया के लोगों की पहले पसंद बन गई और दुकान की सेल बहुत बढ़ गई। दुकान से होने वाली इनकम से हल्दीराम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पा रहे थे। हल्दीराम अपनी इस दुकान से बहुत ही खुश थे और उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में नहीं सोचा। पर एक दिन जब हल्दीराम अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में कलकत्ता गए, तो उन्होंने शादी में आए हुए मेहमानों को अपने दुकान की बनी हुई भुजिया टेस्ट कराई। उसमें से बहुत सारे लोगों को हल्दीराम की बनाई हुई भुजिया इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने हल्दीराम से कहा कि वो अपनी दुकान कलकत्ता में भी खोलें। बहुत सोच विचार करने के बाद और अपनी पत्नी और बेटों से सलाह मशवरा करने के बाद फाइनली हल्दीराम ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मन बना ही लिया। और यहां से फिर हल्दीराम ब्रांड का एक्सपेंशन शुरू हुआ। कमेंट करके बताइए कि हल्दीराम ब्रांड को एक्सपेंड करने का डिसीजन सही था या नहीं। दोस्तों, आज हल्दीराम, जैसा कि आप हम जानते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और हल्दीराम के बेटे इसकी अलग अलग डिवीजन को चलाते हैं। हल्दीराम के बेटे रामेश्वर लाल और उनके बेटों ने कोलकाता में हल्दीराम के ब्रांड को एक्सपेंड किया। यहां पर इसको हल्दीराम प्रभु जी के नाम से जाना जाने लगा। हल्दीराम के दूसरे बेटे मूलचंद ने अपने बेटों के साथ नागपुर, दिल्ली और बीकानेर में इस बिजनेस को एक्सपेंड किया, जहां पर कि ये हल्दीराम नागपुर और हल्दीराम्स
और बीका जी के नाम से जाना जाने लगा। और हल्दीराम के तीसरे बेटे सतीदास और उनके बेटों ने इस बिजनेस को कोलकाता में ही एक्सपेंड किया और हल्दीराम एंड सन्स के नाम से इस ब्रांड को आगे बढ़ाया। अब इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि हल्दीराम के तीनों बेटे जिन्होंने मिलकर इस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया कि उनमें से किसी ने भी 8वीं क्लास से ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं करी थी, तो उनकी एजुकेशन 8वीं क्लास तक की थी, लेकिन उन्होंने मिलकर हल्दीराम के ब्रांड को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया कि यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में भी हल्दीराम ब्रांड के करोड़ों कंज्यूमर्स बन गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम का टोटल रेवेन्यू इंडिया में मैकडोनल्ड और डोमिनोज के टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस ब्रांड की शुरुआत तो सिर्फ भुजिया बेचने से हुई थी, लेकिन आज इस ब्रांड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। हल्दीराम मिठाइयां, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, ड्रिंक्स, बिस्किट और रेडी टू ईट आइटम्स, ये सब कुछ बेचता है। इसके साथ ही साथ इसने अपने रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खोल दिए हैं और इस वजह से हल्दीराम का एक लोकल ब्रांड अब एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बन गया है। हल्दीराम के ग्रैंडसन्स ने इस ब्रांड को इतना आगे बढ़ा दिया है कि इस ब्रांड का रेवेन्यू 2016 में 4000 करोड़ था और लास्ट ईयर इसका टर्नओवर 7000 करोड़ से भी ज्यादा था। अभी भी हल्दीराम के ग्रैंडसन्स का विजन इस ब्रांड का टर्नओवर 15000 करोड़ तक ले जाना है। तो ये थी हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी के कुछ किस्से। दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आता है कि एक छोटे से कैपिटल से कोई बहुत बड़ा ब्रांड भी खड़ा किया जा सकता है। जैसे कि आज की तारीख में बहुत से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप भी इस दिशा में कुछ काम कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। इस ब्रांड की पूरी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है किसी भी पर्सन के लिए। कमेंट करके बताइए कि हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है। इस हल्दीराम की सक्सेस से कुछ ऐसे लेसन्स निकल कर आते हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमें हमेशा बहुत अम्बल रहना चाहिए। अगर शुरुआत में हल्दीराम जगह जगह जाकर मूंग की दाल बेचने का या नमकीन बेचने का काम नहीं करते तो शायद इस ब्रांड की कभी भी शुरुआत हो ही नहीं पाती। उन्होंने इस छोटे से काम को शुरू करके अपनी किस्मत बदल दी और आपको याद होगा कि उनके मित्र ने उनको 100 रुपए दिए थे। जी हाँ, आपके अच्छे कर्मों का फल हमेशा आपको जरूर मिलता है, तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। उन्होंने अपने जो दोस्त की मदद करी थी वही बुरे वक्त में उनका सहारा बनी और उसी से उन्होंने आज इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको यह इंस्पायरिंग स्टोरी हल्दीराम की? क्या इससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप भी कोई नया काम शुरू करें? दोस्तों, आप भी अपने नए नए आइडियाज, कुछ बिजनेस और स्टार्टअप से शुरू करने के लिए इस हल्दीराम की स्टोरी से मोटिवेट होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें से जो भी अच्छे आइडियाज होंगे उनमें से फर्स्ट 3 आइडियाज को मैं अपने अगले वीडियो में उन लोगों के नाम के साथ शेयर करूंगा।